अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी के लेसन नंबर 13 को, एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। टॉपिक 61 है हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इट इंक्लूड्स मैनी कंपोनेंट्स सच एज नॉन बेस टेस्ट, इनफॉर्मल टेस्ट हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, ऑब्जर्वेशनल डाटा हो गया, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। साइकोलॉजिकल असेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं हम अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एंड हिज और हर बिहेवियर इन अ बेटर वे। डायग्नोसिस में डायग्नोस करना डिजीज़ को, या उसके अंदर किस किस्म की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। मैयर एंड इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग, इंडिविजुअल की फंक्शनिंग को एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एंड प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ अ पर्सन। प्लानिंग एंड इंटरवेंशन, यानी कि बिहेवियर चेंज प्रोग्राम को अप्लाई करने से पहले इसकी बेसलाइन मालूम करना ज़रूरी है ताकि इसके मुताबिक प्रोग्राम को अप्लाई किया जा सके। मॉनिटरिंग इंटरवेंशंस हैं टू असेस चेंजेस इन बिहेवियर, मसलन ट्रेनिंग से पहले एक पर्सन की टेस्टिंग की, फिर ट्रेनिंग के बाद कुछ अर्सा बाद उसकी टेस्टिंग की, इसमें बिहेवियर के में जो चेंजेस आए उनको ऑब्जर्व किया। डिवेलपमेंट ऑफ बिहेवियर और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। टॉपिक 62 है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन असेसमेंट्स। कह रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन असेसमेंट के इन पॉइंट को हम देखते हैं वन बाय वन। नंबर वन में कह रहे हैं सब्जेक्ट को बताना ज़रूरी है कि रिसर्च का प्रोसीजर, इसकी नेचर और मकसद क्या है। नंबर टू, किस तरह इंफॉर्मेशन ली जाएगी और रिकॉर्ड की जाएगी, क्या रिस्क इसके अंदर, रिसर्च के अंदर क्या क्या रिस्क होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी किस हद तक होगी, इन्फॉर्मेशन कैसे और कितनी देर तक स्टोर रखी जाएगी। और इसके अलावा कह रहा है कि पार्टिसिपेंट को बताना कि वो किसी भी वक्त रिसर्च से विड्रॉ हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है रिसर्च की वो क्या होगी, ये सब चीज़ें जो हैं बताना ज़रूरी हैं। आगे हमारा टॉपिक है 63, कंडक्टिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कंपिटेंसी है उनकी अबिलिटी है उनके मुताबिक सर्विसेज मुहैया करें। साइकोलॉजिस्ट की जिस चीज़ में प्रैक्टिस है इसको चाहिए कि उसी चीज़ के मुताबिक थेरापी करें। मसलन मखसूस लोग ख़ास एज ग्रुप या जेंडर के साथ काम करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बच्चों की थेरापी करते हैं, जब वो एडल्ट्स के मुतालिक काम करेंगे तो इसकी उस तरीके से अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे जिस तरह वो छोटे बच्चों की थेरापी के दौरान करते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि आपके पास वैलिड डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी की। अगर किसी मखसूस सोसाइटी में लॉ के मुताबिक कुछ चीज़ें अलाउ नहीं हैं तो वो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा असेसमेंट करने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी अपनी वेलबींग, इसकी फ़िज़िकल और मेंटल स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। कंपिटेंट कंडक्टिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। असेसमेंट करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि हम असेसमेंट क्यों करने जा रहे हैं, हम कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे और इसके कौन से अल्टरनेटिव तरीके मौजूद हैं, और असेसमेंट डाटा के साथ साथ इसकी रिलेटेड दूसरी डिटेल्स, मसलन मेंटेनेंस की डिटेल्स, और उसके बाद डिस्क्राइबिंग फैक्टर्स, मेंटेनिंग फैक्टर्स वगैरह को भी नोट करना ज़रूरी है। एक्यूरेसी स्कोरिंग ऑफ एक्यूरेटली जो स्कोर हैं उनको नोट करना, रिजल्ट्स को, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम असेसमेंट्स, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट अबाउट रिजल्ट्स शुड बी इफेक्टिव एंड क्लियर, मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 611 का लेसन नंबर 13। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।